हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, आपने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपने रेगिस्तान के राजा के बारे में सुना है, लेकिन आपको पता है क्या रेगिस्तान के राजा किसे कहते हैं। वेल दोस्तों, आपको नहीं मालूम कि रेगिस्तान का राजा किसे कहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। हम बात कर रहे हैं ऊंट की, जो रेगिस्तान में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इन्हें रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। और कुछ ऐसी इनके अंदर ऐसी अनोखी चीज होती है जो उन्हें बाकी जानवर से अलग बनाती है। दोस्तों, दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें रेतीला जगह पर ज्यादा पाया जाता है। और ये रेगिस्तान के इलाकों में काफी दिन तक बिना पानी के रह जाते हैं, और इनकी यही खूबी इनको राजस्थान का राजा बनाती है। कुदरत ने इसे इन जानवर के शरीर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, क्योंकि इसमें जो खूबियां पाई जाती है अन्य किसी जानवर में नहीं मिलती। वेल दोस्तों, आप ऊंट के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको मालूम है मरा हुआ ऊंट कितना ज्यादा खतरनाक होता है? क्या आपको पता है कि एक मरा हुआ ऊंट स्लीपर सेल की तरह होता है और वो कहीं भी फट सकता है? क्या आप जानते हैं कि सांस से दिखने वाला स्वभाव ऊंट को जब गुस्सा आता है और फिर अपने मालिक तक पर भी अटैक कर देते हैं। इसके बाद आपको पता है कि पेड़ पत्ते खाकर जिंदा रहने वाला ये ऊंट जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए जहरीले सांप को भी निगल रखते हैं। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिसे आप कितना सीधा साधा जानवर समझते हैं, असल में वो सीधा नहीं है। दोस्तों, ऊंट एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुंदरता। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऊंट रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कुदरत ने इनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि अपने आप को रेगिस्तान में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस जानवर की सबसे बड़ी पहचान है कि पीठ पर एक बड़ा सा कोबर निकला होता है। दोस्तों, आपको पता है ये कोबर जन्मजात नहीं होता। जब ऊंट पैदा होता है तो उसके ऊपर कोबर नहीं होती, लेकिन जब वे ठोस खाना शुरू कर देते हैं और फिर शरीर में कोबर का विकास अपने आप ही होने लगता है। और ऊंट के पीछे केवल एक ही कोवड़ होता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने शरीर का सारा पानी अपने कोवड़ में जमा करके रखते हैं, लेकिन ये बात गलत है। कोवड़ में वसा जमा होती है जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करती है। उनके कोवड़ में जमी हुई वसा जरूरत पड़ने पर भोजन और पानी की कमी को पूरा कर देता है। वैसे दोस्तों, आपने ऊंट के बारे में ये बात तो सुनी होगी, ये बिना पानी पिए कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है। रेगिस्तान जैसे रेतीले इलाकों में मीलों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता, और वहाँ पर भी 6 महीने तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। असल में ऊंट के पास एक खूबी होती है कि वे एक बार में 100 या 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं, और इन्हें जब भी कभी पानी मिलता है तो ये 100 या 200 लीटर पानी पीकर 6 महीने पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऊंट शांत स्वभाव का जानवर होता है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वे अपने टांगों से किसी भी इंसान को पटक सकते हैं। और इसके अलावा ऊंट का जब मूड खराब होता है तो वे अपने मुँह से थूकना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ऊंट का थूक नीले रंग का होता है, और थूकते वक्त कितना अजीब लगता है जिसे देखकर आपको डर भी लग सकता है। दोस्तों, ऊंटों की आंखें पलकें कुछ इस तरह की होती है कि रेगिस्तान में उठने वाली रेत के बीच आप आसानी से देख सकते हैं। इनकी आंखों के पलकों की 3 लेयर होती है, जिसकी वजह से रेत इनकी आंखों के अंदर नहीं घुस पाता, और ये रेगिस्तान के रेतीलों में भी काफी मीलों तक आसानी से सफर कर लेते हैं। लेकिन ये दिखने में बहुत धीमी गति के जानवर लगते हैं, पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि ये इस रफ्तार से अधिक समय तक नहीं दौड़ पाते, लेकिन फिर भी 40 किलोमीटर की गति से ये आराम से चल सकते हैं, और ऊपर पैर के विशेष डिजाइन के कारण रेत पर अच्छे से चल पाते हैं। ऊंट के पैर में 2 पंजे होते हैं जो कि जमीन पर रखने से फैलते हैं और जमीन में नहीं फंसते, लेकिन ये पथरीले रेगिस्तान में चलने से बचते हैं क्योंकि इनके पैरों में नुकसान पहुंचता है, और ये पैदल एक दिन में 40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और ये 400 किलोग्राम वजन आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें देखने और सुनने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ऊंट अपना शांत स्वभाव की वजह से अरब की संस्कृति में धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना गया है। और दोस्तों, इन ऊंट में एक खास बात होती है, ये कभी भी अपनी माँ और उन ऊँटों के बड़े होते हैं। ऊँट के बच्चे पैदा होने के बाद कुछ घंटे बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। इतिहास में ऊँट का प्रयोग युद्ध के दौरान भी किया जाता था। ऊँट के मारे गए कई अवशेष आज भी अरब के म्यूजियम में आप देख सकते हैं। दोस्तों, ऊँट का मीट भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अरब के लोगों के लिए तो ये डिश डिलीशियस से कम नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि ऊँट का मीट सेवन करने से इंसान के शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब हमें उम्मीद है कि आप ऊँट के बारे में बेहद हद तक जान गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए हमारी हर नई वीडियो के साथ, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।